गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज घर का सारा काम निपट चुका है, सब लोग जा चुके हैं। तो मैंने ना बहुत दिनों से अपने बालों में कुछ लगाया नहीं था, कोई पैक नहीं यूज़ किया था, कुछ भी नहीं। तो आज मैंने सोचा, काफ़ी टाइम के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने कहा चलो आज कोई पैक लगाते बालों पे। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया, जब मैं कोई पैक लगा ही रही हूँ तो क्यों नहीं मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, शायद वो पैक लगाने से आपको भी कुछ फ़ायदा हो। तो मैं ना आज एक पैक लगाने जा रही हूँ, तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि वो किस चीज़ का पैक है, कैसे लगाने जा। हमें इस पैक को बनाने के लिए चाहिए एक प्याज, एलोवेरा, अगर घर का हो तो बहुत अच्छी बात है, एलोवेरा, और ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हो वो ऑयल चाहिए। ये ऑयल है, ये प्याज है, और ये है हमारा एलोवेरा। तो चलिए आइए इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे बनता है। ये है स्ट्रेनर, और इसमें मैंने प्याज, पिसा हुआ प्याज डाल के मैं अब इसको छान रही हूँ, और हम इसको बहुत अच्छे से इसका सारा रस निकाल लेंगे। मेक श्योर आप ध्यान रखिएगा कि प्याज में बिल्कुल भी पानी मत डाल के पीसिएगा, आपको ऐसे ही बड़े बड़े पीसेस में कट करके प्याज को पीसना है, हो सके तो इसमें बिल्कुल भी पानी यूज़ मत करिएगा। तो देखिए मेरे एक प्याज से मुझे इतना रस मिल चुका है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें एलोवेरा निकाल के पीसूँ। तो आप अपना ये बचे हुए जो एलोवेरा के, तो आप इनको अपने फेस पे इस तरीके से रब कर सकती हैं। देखिए मैं किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देती, क्यों ना हम इसको फेस पे रब करके अपने फेस को ग्लोइंग बनाया जाए। मैं इस एलोवेरा को भी मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। ये देखिए ये मिक्सी में पीस, देख सकते हैं मैंने प्याज का रस, एलोवेरा और तेल मिला लिया है, और अब इसको मैं अपने बालों पे लगाने जा रही हूँ। इसको उंगलियों की सहायता से अपने बालों में लगा के धीरे धीरे मसाज कर रही है। मसाज करते हुए लगाना है, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट आप मसाज करिए, और इसको ये प्याज का रस है तो ऑब्वियसली आपको आंखों में हल्की सी जलन देगा, हल्का सा आंसू आएंगे आपकी आंखों में, बट कोई बात नहीं, ना तो चलता है। वैसे लड़कियों के लिए हमारे बालों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। मैं तो मेरे किचन में जो भी आइटम होता है मैं उसी से अपने घर में कुछ ना कुछ अपने हेयर मास्क, फेस पैक बनाती रहती हूँ। मैं ज़्यादा बाहर की चीज़ों को यूज़ नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर से, किचन से ही रिलेटेड चीज़ें यूज़ करके अपने लिए हेयर मास्क बनाऊँ, अपने लिए फेस पैक बनाऊँ। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरे बालों में कितने अच्छे से लग चुका है। मैं इसे 5 मिनट अपने बालों में हल्की हल्की मसाज करूँगी फिंगर से। और अब मैं इस थोड़े से मास्क को अपने बालों की लेंथ पर भी यूज कर लूंगी, और मैं एक बन बना के एक क्लचर बचा हुआ, और अब मैं इसे एटलीस्ट 30 मिनट तक ऐसे लगा रहने दूंगी। 30 मिनट के बाद मैं हेयर वॉश करूंगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ अपने बाल ही को। थैंक यू। बहुत सॉफ्ट भी हो गया है और बहुत ज़्यादा सिल्की हो गया है मेरा बाल। बहुत अच्छा हेयर मास्क है ये, बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी और सिल्की बना देता है। हाँ, लेकिन इस मास्क को लगाने के बाद आपको शैम्पू से हेयर वॉश करना है। आप शैम्पू से हेयर वॉश करिए, उसके बाद देखिए आपके बाल कितने शाइनी और सिल्की हो जाएंगे।
और एक बार प्लीज इस मास्क को जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ज्यादा अच्छा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, अगर आपको मेरा ये हेयर मास्क पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।